to all of you? तो कुछ कॉस्ट शीट प्रैक्टिस वैक्टिस किया कि नहीं? कॉस्ट शीट का कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस चल रहा है कि नहीं? आज हम लोग थोड़ा मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे. सो स्क्रीन विजिबल है सबके? और इट इज टू बी मेड लार्जर. स्टार्टिंग इज पेज नंबर 64 द स्टडी. So procurement of material is an important function of material management, and we must know what are the costs associated with material. So any wide gauge, what is material cost? Here we are basically talking about the raw material. हम उसको फैक्ट्री में यूज करेंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल बहुत हो सकता है. एक्स वाई जेड मीन्स आई मीन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आइटम 10 रॉ मटेरियल हो सकता है, 2 बिक्री हो सकता है, 5 भी हो सकता है. इसका इम्पोर्टेंस कितना है फॉर दैट वी क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीशंस आप जब मटेरियल्स के लिए फेस करते हैं, दीज आर द क्वेश्चन. क्या खरीदना है, कब खरीदना है, वेन टू परचेस, वेयर टू परचेस, व्हाट इज द सोर्स, लोकल, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स मे बी विदिन द कंट्री और इम्पोर्टेड, हाउ मच टू परचेस, कितना क्वांटिटी खरीदना है, 1 यूनिट, 10 यूनिट्स और 100 यूनिट्स, हाउ डू वी टेक डिसीजन, कैसे डिसाइड करते हैं, एट व्हाट प्राइस टू परचेस. एक मटेरियल खरीदने का सोर्सेस में भी मल्टीपल है. तो ऑब्वियसली वी बी इंटरेस्टेड इन बाइंग द चीपर रेट एट अ चीपर रेट. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस वी फेस व्हेन वी नीड टू टेक डिसीजन कि क्या मटेरियल खरीदना है, कितने क्वांटिटी में खरीदना है, कहाँ से खरीदना है. These are the decisions to be taken. If I say what is bill of material, what is the meaning of bill of material? अगर हम बोलते हैं bill of material मतलब क्या है? Any idea? This is the basis of all the materials required to produce one. Okay. Sorry? This is the basis of all the materials that will be required to produce one. समझ में लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट. आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, वो बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए. बिल ऑफ मटेरियल्स बेसिकली डिस्क्राइब दैट. तो इट इज बेसिकली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पार्ट. प्रोडक्शन इंजीनियर्स को बनाते हैं ये, जैसे मान लीजिए कि कार मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या पार्ट चाहिए होगा, उसमें तो एक मटेरियल नहीं होगा,
बहुत सारे पार्ट्स होंगे एंड इन व्हाट क्वांटिटी इट इज रिक्वायर्ड. सो इट बिल ऑफ मटेरियल बेसिकली डिस्क्राइब व्हाट आर द वेरियस मटेरियल्स कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट. तो ये सब के ऊपर यू हैव टू स्टडी ए बिट. सब ये सब आसपास मिल जाएंगे पेज नंबर 65 यू सी देयर इज अ परफॉर्म ऑफ द बिल ऑफ मटेरियल. उसके नीचे दो लाइन लिखा भी हुआ है. तो ये सब थोड़ा स्टडी कीजिएगा. यू मे बी गेटिंग शॉर्ट नोट. यू मे बी आस्क कि व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल या डिस्क्राइब बिल ऑफ मटेरियल. ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इफ आई से व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मटेरियल, क्या क्या मेरे ध्यान में आता है जब कोई मटेरियल खरीदेंगे, उसमें कॉस्ट क्या क्या इन्वॉल्व होता है. एक तो बेसिक परचेस प्राइस होगा मटेरियल का, अपना दाम है. उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगेगा. डिस्काउंट एप्लीकेबल है कि नहीं है वो भी मुझे देखना पड़ेगा. क्योंकि आप मान लीजिए कि आप 10 यूनिट्स खरीद रहे हैं तो जो सप्लाई बोल रहा है कि 10 यूनिट्स में कोई डिस्काउंट नहीं है, तो बेसिक प्राइस है उसी में देंगे. इफ़ यू आर परचेजिंग लार्जर वॉल्यूम, आप 15 यूनिट खरीदेंगे 20 खरीदेंगे वो बोला कि 2% डिस्काउंट दे देंगे प्राइस के ऊपर. आप 50 खरीदेंगे वो तो 5% डिस्काउंट दे देंगे. तो डिस्काउंट हैज़ टू बी फैक्टर्ड. अगर मुझे डिस्काउंट मिलता है मेरा फाइनल कॉस्ट कम हो जाएगा. सो दैट विल बी रिड्यूस. टैक्सेस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा. एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, आपको ट्रांजिट इंश्योरेंस भी लेना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट इंश्योरेंस? हाँ, एक जगह से दूसरे जगह पे जब जा रहा है, बीच में इफ देयर इज एनी लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट फायर और एनी व्हाट दैट वी टेक ए कवरेज, सो दैट कि अगर मेरा लॉस हो जाए तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से उसको क्लेम कर पाऊँ. सो फॉर दैट वी नीड टू पे प्रीमियम टू द कंपनी. सो दैट प्रीमियम इज अ कॉस्ट, वो ऐड होगा. बाकी डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी. अगर मैनेजमेंट का कुछ प्रैक्टिस है इसके ऊपर 5% ओवरहेड चार्ज करेंगे सो दैट ओवरहेड विल बी एडेड. इफ देयर इज रिफंडेबल ड्यूटीज, रिफंडेबल ड्यूटीज अगर है तो वो हमको माइनस करना है. अभी तक आप लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्लास किया होगा या स्टडी GST. तो GST इज अ कॉस्ट. GST. सपोज यू हैव परचेस 10 रुपीज एंड मटेरियल इज 10 रुपीज एंड यू हैव पेड 5% 2 रुपीज टैक्स GST ऑन दैट. सो यू हैव पेड इन टोटल 12 रुपीज. सो व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर दैट? मैंने गुड्स खरीदा, मुझे एक इनवॉइस मिला है जिसमें दिख रहा है कि बेसिक प्राइस 10 रुपया है, GST 2 रुपया है. मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा उसको खरीदने के लिए? 12 रुपया. तो कॉस्ट में मेरा कितना आएगा? 12 रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा, 2 रुपया आएगा, क्या आएगा? कॉस्ट में 10 आएगा. 2 रुपया क्या होगा? टैक्स तो है, वो जाएगा कहाँ पर? अकाउंट में उसको लाना है ना. जब पेड इन टोटल आपका टैक्स तो 12 रुपये निकल गया है, तो 10 रुपये आपने कॉस्ट में चार्ज कर दिया मटेरियल कॉस्ट में, 2 रुपये कहाँ चार्ज करेंगे? दोनों 12 होना है ना. डबल इंट्री सिस्टम डबल इंट्री होगा. जीरो नॉट बी क्या है लाइबिलिटी कहाँ है? आपको पेमेंट कर ही दिया है. 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे. हाँ, वो तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा. व्हाट इज GST? GST क्या है? इंडायरेक्ट टैक्स को मालूम है. इंडायरेक्ट टैक्स फुल फॉर्म ऑफ GST. व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स? सो व्हेन यू बाय गुड्स और एनी और टेक एनी सर्विस इट इज कवर्ड विदिन द डेफिनेशन ऑफ GST, देन GST हैज टू बी पेड. हैव यू हर्ड अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट? सो व्हेन यू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट that 2 rupees goes to your tax credit account, input tax credit account. So the journal entry is material purchase 10, input tax credit 2, cash 12.
इनपुट एक्सेलेंट लेने का मतलब क्या होता है, एडिटिव में बताया गया होगा कि आपका अगर आउटपुट जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, उस जीएसटी को डिस्चार्ज करने के लिए यू कैन यूटिलाइज दिस, ठीक है ना। अभी मान लीजिए आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, बट जो आप बेचेंगे जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज नॉट विदिन जीएसटी, सो इन दैट केस वो दैट विल गो टू कॉस्ट, सो यू कैन नॉट सेट अप दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट एनी अदर लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स का सेट ऑफ ओनली टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एन एसेट, इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, नथिंग एल्स। अगर नहीं हो पाता है इट विल गो टू कॉस्ट। सो द बेसिक आंसर इज इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल कॉस्ट इज 10 रुपीज, इफ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल देन कॉस्ट इज 12 रुपीज। आगे समझ लो टैक्स का ट्रीटमेंट यही है। What is purchase requisition? मैं अगर बोलता हूँ कि purchase requisition, ये purchase requisition बोलने से क्या समझ में आता है? कौन देता है ये? स्टॉक डिपार्टमेंट नॉर्मली purchase करता है, तो विंडो देखने का सेविंग का काम करता है, जिसको चाहिए जरूर करता है। मटेरियल एक्विजिशन कहाँ से आता है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कीजिए, ये सब कुछ छोटा मोटा आएगा तो खुद से एकदम लाइट टू एन। मटेरियल एक्विजिशन मीन्स ए पर्टिकुलर एक्विजिशन, मतलब जिसको यूज करना है वही तो देगा ना रिक्वायरमेंट, तो हु यूज इट इज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल गिव द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, जैसे हम बोल रहे थे बिल ऑफ मटेरियल डिजाइन बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी कंपनी का बजट है या टारगेट है, मान लीजिए इस साल में मुझे आई हैव टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, अभी वो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए मुझे 3 रॉ मटेरियल चाहिए एक्स वाई जेड, कौन सा कितना क्वांटिटी में चाहिए वो दैट इज बी डिफाइंड बाय द बिल ऑफ मटेरियल। उसके बाद वो माल को खरीदना है ना, खरीदेगा कौन, स्टोर्स डिपार्टमेंट, परचेज सेक्शन, स्टोर्स डिपार्टमेंट की परचेज, इसके बेसिस में परचेज करेगा। जब वो प्रोडक्शन बोलेगा कि मुझे एक्स वाई जेड रॉ मटेरियल इतना इतना क्वांटिटी में चाहिए, दे विल सेंड अ रिक्विजिशन टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट कि आई रिक्वायर दिस मटेरियल एक्स वाई जेड मटेरियल एंड दिस मच क्वांटिटी, बेस्ड ऑन दैट दे विल प्लेस ए परचेज ऑर्डर, स्टोर्स डिपार्टमेंट विल प्लेस ए परचेज ऑर्डर विद द सप्लायर, जो भी होगा सप्लायर, तो उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर इज द बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स, ठीक है। What is GRN? Goods received no. क्या समझ में आता है GRN बोले तो? Goods received no. नाम से ही पता चलता है। आप purchase order place किए हैं, purchase order place करने के बाद supplier आपको goods supply करता है, सप्लाई होने के बाद कितना मिला है आपको वो तो देखेंगे ना। मैंने 10 यूनिट ऑर्डर किया था, मुझे 10 मिला है कि 8 मिला है कि 12 मिला है, सो द स्टोर्स डिपार्टमेंट की प्रिपेयर गुड्स रिसीव नो ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड टू द लोकेशन, दैट इज बेसिकली फॉर GRN। तो व्हाट इज स्टोर्स लेजर, व्हाट इज स्टोर्स लेजर, अपने लेजर अकाउंट के बारे में सुना होगा, दो दूर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज लेजर अकाउंट, आपको मालूम है एक डेबिट साइड रहता है एक क्रेडिट साइड रहता है, या डेबिट कॉलम का फॉर्म में बनाएंगे तो डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम रहेगा। तो व्हाट इज स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर बेसिकली आपको दिखाएगा कि कितना हमने रिसीव किया है, कितना इशू किया है,
क्वांटिटी एंड वैल्यू वो, ठीक है। रिसीव मतलब जीआरएम के बेसिस पे जितना क्वांटिटी हमने रिसीव किया है दैट वी काउंट इन द स्टोर से लेकर एज ए रिसीव। क्वांटिटी रेट अमाउंट इशू में क्या आएगा, जब वही मटेरियल रिसीव करने के बाद हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे यूज करने के लिए, या जो भी यूजर है जिसने रिक्विजिशन भेजा था कि मुझे मटेरियल चाहिए हम उसको इशू करेंगे, तो वो जब इशू होता है स्टोर डिपार्टमेंट विल रिकॉर्ड है इशू ऑफ दैट मटेरियल क्वांटिटी रेट अमाउंट द बैलेंस विल रिफ्लेक्ट स्टॉक ऑफ मटेरियल इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल। क्लियर, सिंपल ले जाए। What is VIN? VIN. VIN card. सुना है ये नाम कभी? सुना है? नहीं सुना। Bean card and stores ledger are similar things. The only difference is that bean card records only the quantity. Quantity of receipt, quantity of receipt. इसमें value नहीं रहता है। Stores ledger records both quantity and value. And at any point of time you know the balance. The stores ledger में quantity plus weight and value रहेगा। Bean card में only quantitative detail रहता है। और कुछ डिफरेंस नहीं है। दिस इज हैंडल्ड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो जब भी कोई ऑडिट करने जाएगा या फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा पहले रिकॉर्ड्स में चेक करेगा, देन वी विल डू द फिजिकल काउंटिंग, मैचिंग द रिकॉर्ड, डिस्क्रिपेंसी है नहीं है उसे पता करेगा, ठीक है। पेज नंबर 70, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, पेज 70 इज इंपॉर्टेंट। What is written here? Economic order quantity, meaning what is economic order quantity? जैसे हमने मटेरियल का चैप्टर शुरू किया था, देर आर सम बेसिक क्वेश्चन, हाउ मच टू बाई, कितना खरीदना, हाउ डू डिसाइड कितना क्वांटिटी खरीदना है। आपको तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बजट दिया जाएगा कि मुझे साल में 1 लाख यूनिट चाहिए, तो आपके 1 लाख एक हिसाब से खरीदेंगे, यू बाई खरीदने से क्या होगा, अल्टीमेटली सारा चीज तो कंपनी में होगा, कॉस्ट में जाएगा, बट इफ बाई मंगा कितनी एट ए टाइम क्या होगा, इन्वेंट्री आपका पैसा कैश जो है दैट विल गेट ब्लॉक इन द इन्वेंट्री अननेसेसरी, यू गेट स्टक, जो आप परचेस करने का आपको पेमेंट करना है, तो कैश विल गो इन्वेंट्री विल कम, उसका लिक्विडिटी है नहीं, कैश इज मोर लिक्विड, सो हम उतना ही क्वांटिटी खरीदेंगे what is economically required. So how to determine the economic order quantity? So ideally your order size should be equal to this EOQ quantity. That is why we calculate this EOQ. This is the simple formula for EOQ. Root over 2AO divided by C. तो इसमें हमको जानना है कि ये सब का मतलब क्या है। A means annual demand या annual consumption, ये जो मैं बोल रहा था 1 लाख यूनिट, that is the annual requirement. O मतलब ordering cost per order,
देयर आर कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्लेसिंग इन ऑर्डर, क्योंकि आपने स्टोर डिपार्टमेंट में किसी आदमी को बैठा के रखा है, देयर इज अ मैन पावर कॉस्ट, आई हैव टू पे सैलरी टू दैट पर्सन, देयर विल बी सम कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, उसको मेल भेजना पड़ता है, कोटेशन लेना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, वो हम कैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर. हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर विच इज रिलेटिंग टू प्लेसिंग द ऑर्डर, मतलब ये सब मैन पावर का सैलरी, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस फॉर कलेक्टिंग द कोटेशन, डिसाइडिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना, टोटल साल का जो खर्चा होगा उस साल में कितना ऑर्डर दिए हैं उसको डिवाइड कर देने से यू गेट ए पर ऑर्डर कॉस्ट. सो द फॉर्मूला नीड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. क्वेश्चन में अगर टोटल ऑर्डर कॉस्ट दिया है तो आपको पर ऑर्डर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा. नॉर्मली इन द क्वेश्चन कॉस्ट पर ऑर्डर इज गिवन. कैरिंग कॉस्ट पर आना, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इन्वेंटरी को कैरी करने का कॉस्ट, इज टॉकिंग अबाउट इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, मतलब उसको रखने के लिए मुझे जगह चाहिए, आई नीड अ स्पेस, देन आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर बाइंग दैट. अगर मैं उसको वहाँ पे नहीं लगा के दूसरा कहीं पे रखता तो आई कुड हैव अर्न्ड सम इंटरेस्ट, सो देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो दैट बेसिकली इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द इन्वेंटरी अमाउंट, उसको भी पर यूनिट पर एनम में लेना है. ये सब एकदम क्लियर रहे. व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला, दिस इज टॉकिंग पर यूनिट पर एनम, दिस इज पर ऑर्डर. क्वेश्चन में टोटलिटी में रह सकता है, बट व्हाइल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ये सब का मतलब पर यूनिट पर एनम, उसमें लेके आना है ओनली देन यू अप्लाई द फॉर्मूला. ठीक है, इट मे बी गिवन इन योर क्वेश्चन डायरेक्टली और इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मटेरियल कॉस्ट. जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 2% ऑफ द मटेरियल प्राइस, तो आपका जो मटेरियल प्राइस होगा सिंपली उसका 2% लेना है, या 5% होगा तो 5% लेना है, लाइक दैट ऑन. And what is the total cost associated with the purchase? ये लाइन को ध्यान से पढ़िए. Total cost of material usually consists of the buying cost, ordering cost plus carrying cost. So this is the total cost associated with your inventory. पेज 73 में आ जाइए. ये फॉर्मूला याद रखना है. नाउ वी बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियल. You have done group 2, so I think you have done in working capital management a part of this. It's a maximum stock level, what is minimum stock level, what is reorder level, what is conjunction between lead time, what is lead time. So ye sab terms malum hona padega. Lead time matlab kya hai? If I say lead time 10 days, matlab kya hai? What is the meaning of lead time? ये सब काम समझ में नहीं आएगा ना, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा, बट कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं. यू अंडरस्टैंड ये सिंपल मैथमेटिकल अरिथमेटिकल फॉर्मूला है, अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. व्हाट इज लीड टाइम, दैट इज फॉर मैक्सिमम लीड टाइम. लीड टाइम बेसिकली मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द इन्वेंटरी. आपने ऑर्डर आज प्लेस किया, आपको आज ही नहीं मिलने वाला ना, कितना दिन लगेगा, 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, 20 दिन लग सकता है, तो 20 दिन आपका फैक्ट्री क्या बैठा रहेगा,
रहेगा ना, वो 20 दिन भी आपको प्रोडक्शन चलाना है, तो यू नीड टू नो व्हाट इज माय डेली कंजम्पशन रेट। ये 20 दिन लीड टाइम जो है ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ मच यूनिट आई नीड फॉर कंजम्पशन, उसके बाद भी मेरा थोड़ा स्टॉक रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ कि 20 दिन ना आएगा वो 22 दिन भी तो आ सकता है, जब भी सम डीलर्स तो वो 2 दिन का बंद हो जाएगा। सो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, दैट इज वाई यू नीड टू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट। What is lead time? Lead time normally means the time required for procurement of the inventory. So उसमें normally material management में क्या करते हैं हम लोग, minimum lead time, what is the maximum lead time, what is the average lead time, what is the minimum stock level? Minimum stock level का मतलब कि इतना stock minimum maintain करना है, the stock should not go below this level. उसके बाद एक danger level बोल के बोलते हैं, danger level मतलब के बाद फर्दर इश्यू ऑफ स्टॉक विल बी स्टॉप, इन दैट केस अगर प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, अगर फ्रेश ऑर्डर नहीं आया है एंड योर स्टॉक हैज ऑलरेडी रीच्ड टू द डेंजर लेवल, यू हैव टू स्टॉप द प्रोडक्शन। बोलते हैं ना कि पानी डेंजर लेवल को ऊपर बह रहा है रिवर्स में नदियों में, इसका मतलब क्या है, यू इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, मतलब मे एनी टाइम एंटर इन टू द टाउन nearby cities, in the normal जो everyday life है that will be affected, गाड़ी बंद हो जाएगा, ऑफिस बंद हो जाएगा, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। सिमिलरली हियर ऑल्सो डेंजर लेवल, इस लेवल के नीचे अगर आ गया मेरा मटेरियल स्टॉक आई हैव स्टॉप माय प्रोडक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि जैसे अभी बोल रहा था कि 1,00,000 यूनिट का मेरा रिक्वायरमेंट है एनुअली, आई विल नॉट बाई 1,00,000 एट ए टाइम, एक ही साथ मैं नहीं खरीद लूंगा, आई विल बाई बेस्ड ऑन माई ईओक्यू, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी जितना होगा अगर 10,000 है तो आई विल प्लेस 10,000, 10,000, 10,000, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माई स्टॉक शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस लेवल, वो मैनेजमेंट सेट करके रखता है बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न, बेस्ड ऑन योर लीड टाइम, दिस इज द मैक्सिमम लेवल अप टू व्हिच आई विल स्टोर द इन्वेंटरी। इससे ज्यादा अगर होगा आई विल कंसीडर कि ब्लॉकेज ऑफ फंड्स इन द इन्वेंटरी, यहाँ पैसा ब्लॉक हो जाएगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम लेवल दैट इज गिवन बिलो, ये सारा फॉर्मूला एकदम रट के रखना है, सिंपल क्वेश्चन आएगा यही सब फॉर्मूला अप्लाई करके उसको निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, व्हाट इज रीऑर्डर लेवल, ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। रीऑर्डर लेवल बोलने में क्या समझ में आएगा, आपको क्या एक्शन लेना है यू कम टू नो। फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन टू बाय, कब खरीदना है, द मोमेंट योर स्टॉक रीचेस द रीऑर्डर लेवल दैट इज द टाइम आई हैव टू ऑर्डर अगेन फॉर बाइंग, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज रीऑर्डर। रीऑर्डर लेवल में आने से यू हैव टू इनिशिएट फ्रेश परचेज ऑर्डर। So maximum level is reorder level plus reorder quantity minus minimum rate of consumption into minimum reorder period. What is reorder quantity? It is simply the EOQ, economic order quantity. So reorder quantity and EOQ are same thing. Kitna quantity khareedna hai? Oh.
This is the formula for minimum level. Reorder level minus normal rate of consumption into normal reorder period. बहुत confusing है, बार-बार पढ़ना है, याद रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा. Minimum level equal to reorder level minus normal rate of consumption into normal reorder period. Reorder level we have already understood. Normal rate of consumption, normal reorder period. Normal reorder period means lead time. जो बोल रहे थे. Reorder period is basically the lead time. जो reorder आने में कितना दिन आपको लगता है? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन. So management based on their previous practices, these are normally depend on the question paper. Now what is reorder level? तीन formula है. कुछ भी use हो सकता है. Questions जो आएगा उसमें यू विल फाइंड सम क्लू इज गिवन. एक अगर कैलकुलेट कर पाएंगे तो बाकी सब अपने आप कैलकुलेट में लग जाएगा. तो आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है और उसमें देखना है कि कौन सा अवेलेबल है. जो अवेलेबल होगा उसी को यूज करके जो जो मिसिंग रहेगा वो कैलकुलेटर में लग जाएगा. लाइक सिंपल इक्वेशन होनी चाहिए और कुछ नहीं है. रीऑर्डर लेवल इसका फॉर्मूला होगा मिनिमम लेवल प्लस नॉर्मल रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड और मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम. मतलब मिनिमम लेवल जो सेट किया हुआ है वो प्लस मेरा लीड टाइम. अगर 10 दिन रीऑर्डर पीरियड है तो 10 दिन में मेरा क्या कंजम्पशन होगा. मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. सो एनी ऑफ दिस थ्री फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल. व्हाट इज डेंजर लेवल? डेंजर लेवल का फॉर्मूला ये है. तो ये सब फॉर्मूला लिख के रखना है एंड एवरी डे 5 मिनट 10 मिनट एटलीस्ट फॉर्मूला के ऊपर स्पेंड करना है. नहीं तो ये तो भूल जाएंगे. Come to page number 105, illustration 19. सिंपल क्वेश्चन है. फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट द रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल. सम इंफॉर्मेशन आर गिवन इन द क्वेश्चन. रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर इज 20. नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर इट्स 5000. Purchase price per unit inclusive of transportation is 50. Annual cost of storage is 5 rupees per unit. Details of lead time. Given average कितना है, maximum कितना है, minimum कितना है. For emergency purchase इतना है. Rate of consumption average कितना है, maximum कितना है. This much information is given. Question is कैसे रहेगा. यहाँ पे सिंपल वो formula लगा के calculate. So first requirement is you have to calculate the reorder quantity. So reorder quantity, as I say, it is nothing but the economic order quantity. So economic order quantity calculate करने के लिए formula आपको याद रखना है कि इस formula में क्या क्या चीज चाहिए. You see whether all the details are available in this question or not. Annual consumption है.
व्हाट इज द फॉर्मूला? ये है फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। ए स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन, यहां से उठ के आ रहा है। व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन? व्हाट इज आई इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट? 5, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। सो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, यू गेट 200 यूनिट्स। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर? कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? एक बार में कितना ऑर्डर करेंगे? 200। कितना बार 200 प्लेस करने से वो जाके 5000 पूरा हो गया? सिंपली टोटल एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? यू गो टू द फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां पे जाके देखिए रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है। 2-3 फॉर्मूला शायद दिया हुआ है। यू चेक कौन सा फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, तभी आपको पता चलेगा। इट इज नॉट दैट कि कोई एक ही फॉर्मूला यूज कर देने से हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो जो इनपुट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है ना नहीं है। जो है वो अप्लाई होगा। इसीलिए व्हाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम पहले चारों फॉर्मूला लिख लीजिए हर स्टॉक लेवल का। दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। पहले सारा फॉर्मूला लिख लीजिए, देन यू लुक इन द क्वेश्चन कौन सा डाटा अवेलेबल है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये रेट ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, मैक्सिमम यूसेज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड इज नथिंग बट लीड टाइम, ठीक है? सो दोनों दिया हुआ है, सो दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाई। इट इज वन ऑफ द फॉर्मूला गिवन, जो तीन फॉर्मूला दिया हुआ है। लास्ट तो इसीलिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, उस फॉर्मूला का जैसे स्ट्रेट वे यू डू नॉट नो कि रीऑर्डर लेवल का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, तो यू राइट द फॉर्मूला। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी पर मुझे बात करना है, क्लियर?
मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला एज पर द फॉर्मूला गिवन इन योर बुक वही है। तो अभी डी ऑर्डर लेवल का क्वेश्चन में अवेलेबल है, इज इट 300 एज गिवन। Reorder level. Now in maximum level formula, reorder level is being used. So आपने पहले निकाल लिया है, वहीं से आ रहा है। What is reorder quantity? It is saying 200. कहाँ से आ रहा है? EOQ हमने निकाला है। So EOQ अगर calculate नहीं होगा, तो ये solve नहीं हो पाएगा। Minus मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कहाँ से आ रहा है? 10 × 6 मिनिमम यूसेज दिया हुआ है, नहीं है। कैसे निकालेंगे अगर मिनिमम नहीं है तो? एवरेज आपका दिया हुआ है। सो इट इज जस्ट लाइक दो सिंपल इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो एक्स वाई जेड तीन में से दो का वैल्यू अवेलेबल है, आपको जो मिसिंग फैक्टर है वो निकालना है। सो यू नीड टू नो हाउ एवरेज इज कैलकुलेटेड विथ मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टू। सो पुटिंग अप्लाइंग दैट फॉर्मूला you put the number average, solve what is the minimum or maximum, whatever is missing that will come out. Are you understanding that? Formula for minimum level, मेरे ख्याल से ये सब straight आ जाएगा। रीऑर्डर लेवल आपके क्वेश्चन मतलब यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट 300 एवरेज यूसेज गिवन एवरेज रीऑर्डर पीरियड आई थिंक एवरेज लीड टाइम इज गिवन एवरेज लीड टाइम इज 10 डेज एवरेज कंजम्पशन इज 15 सो स्ट्रेट वे 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 देन डेंजर लेवल must be given in your question detail because you need average usage into lead time for emergency purchase average usage is given in the question or not hai kitna hai 15 theek hai and what is the maximum lead time during emergency purchase 4 days given in your question फॉर्मूला याद कीजिए फॉर्मूली ये सब सॉल्व कीजिए।
इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन 20 जो है यू कैन प्रैक्टिस एट होम। विल डिस्कस 17 पेज नंबर 103। इलस्ट्रेशन 17 पेज नंबर 103। ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या निकालना है। सिंपल है, देयर इज नथिंग ग्रेट, नथिंग डिफिकल्ट। बट वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेसफुल नहीं होता है मोबाइल में पढ़ना। सर वो नहीं है, स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में तो एटलीस्ट बेटर कम दे। सो वॉट एवर डाटा इज गिवन, जो भी डाटा दिया हुआ है वो डाटा पढ़ना है। एंड वॉट इज रिक्वायर्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, ये दो हमको निकालना है। दिस टू, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, कैन दिस टू बी डिफरेंट। मैं तो जो दाम में खरीद रहा है उसी रेट में इशू करूंगा। यस, इट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे टोटल कॉस्ट बोला गया है, कैलकुलेटिंग टोटल का यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मतलब पर यूनिट का कॉस्ट क्या है। यस, जो भी डाटा अवेलेबल है, माय फर्स्ट आइटम इज व्हाट इज माय मटेरियल कॉस्ट बेसिक। तो व्हाट विल बी माय बेसिक मटेरियल कॉस्ट, हाउ डू यू कैलकुलेट, कितना होगा। वाई ट्वेंटी फॉलिंग इन दिस रेंज,
ये रेंज में आ रहा है। इट मीन्स इफ यू बाई लार्जर क्वांटिटीज दोस पर यूनिट प्राइस लो, ठीक है ना। सो माई रिक्वायरमेंट इज 1200 kg, सो 1200 kg के लिए एप्लीकेबल प्राइस कौन सा होगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। 22 होगा, 20 होगा, 18 होगा, इन दिस केस 20 होगा। दैट इज माई बेसिक मटेरियल कॉस्ट। There is a trade discount of 20%. Trade discount is a part of your cost or it will be a deduction from your cost? Deduction from the cost. You will be cash discount? Cost में? Add कैसे होगा? Discount को add हो सकता है क्या? Discount तो less ही होगा। डिफरेंस इज मेरा कैश डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट कौन सा माइनस होगा? ओनली ट्रेड डिस्काउंट, ओनली ट्रेड और वॉल्यूम रिलेटेड डिस्काउंट, नॉट कैश डिस्काउंट, क्योंकि दिस इज अपफ्रंट ट्रेड डिस्काउंट। आपने इतना वॉल्यूम लिया तो आपको 20% रिबेट मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट नॉर्मली दिया जाता है टू एक्सपीडिएट द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। आपने गुड सेल कर दिया है उसके बाद ठीक है 7 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो ठीक है 1% कम दे दीजिएगा, या 15 दिन में करना है तो 0.5% देंगे, 30 दिन के बाद होगा तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो सब पैसा होता है। कैश डिस्काउंट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, वो माइनस नहीं होगा यहाँ। सो क्लियरली रिमेंबर ओनली ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट। वो 20% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? This 20% is calculated on what? 20% of what? किसका लेना है? जो मेरा बेसिक मटेरियल कॉस्ट आया है, मतलब 1200 मल्टीप्लाइड बाई 20, वही तो। सो आई गेट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑन दैट अमाउंट। Additional charge for containers at the rate of ₹10 per drum of 25 kg. तो मैं जो मटेरियल खरीदा है वो कंटेनर में आता है, ड्रम में आता है, ठीक है। ड्रम के लिए एक चार्ज लगेगा बिकॉज सिंस इट इज मेंशन्ड सेपरेटली, बेसिक मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है। तो कितना चार्जेस लगेगा, कितना ड्रम चाहिए होगा मुझे? मुझे कितना मटेरियल खरीदना है? 1200 kg। एक ड्रम अगर 25 kg का होता है तो 1200 kg में कितना ड्रम होगा? यूनिटरी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सिंपली डिवाइड करके निकालो कितना ड्रम चाहिए होगा। पर ड्रम कॉस्ट इज गिवन, कैलकुलेट की मुझे एक्स नंबर ऑफ ड्रम्स चाहिए, सो एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10। सो इन दिस केस आपको टोटल ड्रम चाहिए होगा 1200 डिवाइडेड बाई 48। सो 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 गिव्स यू टोटल चार्जेस फॉर द ड्रम, क्लियर। क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स एट द रेट ऑफ 8 पर ड्रम, मतलब वो रिटर्नेबल कंटेनर है। आपका माल आया कंटेनर में, आपने निकाल लिया, इन द कंटेनर कैन बी रिटर्न। LPG सिलेंडर रिमेंबर, आप सिलेंडर लेके आते हैं, गैस यूज करते हैं, देन यू रिटर्न द सिलेंडर एंड टेक अ फ्रेश वन। उसी तरीके का है, कंटेनर का रिटर्नेबल। तो अगर रिटर्न करेंगे पर ड्रम ₹8 आपको मिलेगा। सो इज इट योर कॉस्ट और इट इज रिड्यूसिंग योर कॉस्ट, सो दैट शुड बी डिडक्टेड और माइनस। नेक्स्ट
GST at the rate of 12% on raw material and 5% on RAM. क्या होगा? नहीं कर पाऊँ मैं ऐड को? शुरू में मैंने डिस्कस किया था, वही बिलीव नहीं तुमने, मुझे जीएसटी विल बी ए पार्ट ऑफ योर कॉस्ट और नॉट कब 10 रुपये होगा कब 12 रुपये होगा. इफ देयर इज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, नहीं लेना है. But this question does not mention anything about the GST or input tax credit. Input tax credit के बारे में कुछ mention नहीं करता. If it is not mentioned, take it as an item of cost. And write a note, in absence of any specific information, GST is considered as an element of cost. In absence of any information on input tax credit. वो लिखना है. So that on what assumption you have prepared, that is clear to the examiner. Now it is to be calculated 12% on raw material and 5% on RAM. ये 12% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? What is the value on which this 12 will be calculated? किसके ऊपर होगा कैलकुलेट? सॉल्यूशन तो बुक में दिया हुआ है, वो देखने से पता चल जाएगा. Have you seen any copy of invoice paper? कुछ खरीदा है तो घर में आइडल जो बहुत सामान आर्टिकल सामान लिया हमने इक्विपमेंट किया है साइकिल या बाइक भी अगर खरीदा है तो इन्वॉइस तो मिला होगा. हैव यू एवर सीन दैट इन्वॉइस प्रॉपर्ली? नॉर्मली टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस अमाउंट, ठीक है ना? टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस अमाउंट. अब व्हाट इज द बेस अमाउंट? 20 रुपये पर के जी यहाँ पर, बट देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट. If there is a trade discount or rebate, you minus that. If the trade discount is shown in your invoice, then discount is never shown in the invoice. ठीक है ना? So as per taxation, if there is a trade discount, the tax has to be paid on the value after deducting the trade discount amount or rebate amount. So in this case, this 1200 multiplied by 20 करके जो वैल्यू आएगा उसमें 20% ऑफ दैट वैल्यू विल बी डिडक्टेड एज डिस्काउंट. जो अमाउंट रहेगा ऑन दैट यू हैव टू कैलकुलेट जीएसटी ऑन मटेरियल, देन 5% ऑन द ग्राम. कौन सा वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा? ग्राम तो हमने लिया भी है, रिटर्न भी कर दिया है. इन्वॉइस जब आता है, इन्वॉइस के साथ आपका रिटर्न चार्जेस नहीं आएगा. रिटर्न का चार्जेस तभी आएगा जब आप रिटर्न करेंगे. इफ यू डू नॉट रिटर्न द ग्राम, देन व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट रिटर्न द ग्राम. आपको बोला गया है कि 8 रुपया पर ड्रम रिटर्न करने का मिलेगा. यू विल नॉट रिटर्न, बट एलपीजी सिलेंडर के केस में यू हैव टू रिटर्न. यू कैन नॉट होल्ड इट, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द नेक्स्ट सिलेंडर. बट इन फैक्ट्रीज कि मेरे पास 48 ग्राम्स आए रिसीव है, रिटर्न 46 2 ग्राम्स आए नॉट रिटर्न. आई केप इट फॉर माई सम अदर यूज. सो जो इन हुआ है उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज पे करना है. टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर 240. वॉट एवर फ्रेट हैज बीन पेड,
insurance at the rate of 2.5% of the net invoice value. What is net invoice value? क्योंकि जब भी ये परसेंटेज बोला जाएगा ना, यू हैव टू कैलकुलेट इन ऑन सम बेस अमाउंट, उसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। मैं स्ट्रेट इसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा या ये प्लस ड्रम चार्जेस को लेकर कैलकुलेट करूंगा, कैसे करूंगा? व्हाट इज शोन इन द इनवॉइस, व्हाट वी डिड, मेरा बेसिक प्राइस ऑफ मटेरियल माइनस ट्रेड डिस्काउंट, आई हैव ए चार्ज फॉर द ड्रम्स, देन आई हैव जीएसटी ऑन बोथ द एलिमेंट्स करके जो आएगा दैट इज कॉल्ड माई इनवॉइस वैल्यू। इन एडिशन टू दिस इनवॉइस वैल्यू यू हैव टू पे दिस अमाउंट एक्स्ट्रा, जैसे फ्रेट पे करना है, देन इंश्योरेंस पे करना है आपको, तो दीज आर कैलकुलेटेड समटाइम्स फ्रेट। यहाँ पे इस क्वेश्चन इट इज गिवन डायरेक्टली 240 रुपीज, समटाइम्स आपको बोला जा सकता है कि इट इज 5% ऑन द मटेरियल कॉस्ट या इनवॉइस वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट ऑन दैट। वो करने के बाद टोटल जो आएगा, नाउ यू हैव गॉट द इनवॉइस वैल्यू प्लस दिस टू एलिमेंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस, दैट इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस। ठीक है, उसमें ये माइनस हो जाएगा आपका जो रिटर्न वाला है, रिटर्न है सुन की जाते हैं। नाउ व्हाट इज द यूनिट कॉस्ट, हाउ विल यू कैलकुलेट? यू हैव इशू टू प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज आपका यहां पे आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। क्वेश्चन में देखिए एक स्टोर्स ओवरहेड वो नहीं लिखा हुआ है, 5% व्हाई वी हैव एडेड इट स्टोर्स ओवरहेड, ये तो इनवॉइस में है नहीं। स्टोर्स ओवरहेड इज एन इंटरनल आइटम, मेरा स्टोर्स डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए जितना खर्चा होता है मैनेजमेंट इज डिसाइडेड कि बेस्ड ऑन ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा एंड एनालिसिस कि मेरा स्टोर्स का खर्चा ऑन एन एवरेज 5% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट रहता है। व्हाइल इशूइंग द मटेरियल टू द प्रोडक्शन द स्टोर्स ओवरहेड 5%, कोई 2%, कोई 10% लगाया जाता है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन अस 10%, तो स्टोर्स ओवरहेड आई एम नॉट पेड टू द सप्लायर, दिस इज माय इंटरनल कॉस्ट, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज, बट इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इशू। आपको दो चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, एक तो परचेज एंड व्हाट इज द यूनिट कॉस्ट इशू टू प्रोडक्शन। सो इन माय टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज द स्टोर्स ओवरहेड इज नॉट इंक्लूडेड, because I am not paying the stores overhead to the supplier, it is not included in my invoice, it is my internal cost, but while issuing to the production I am applying 5% stores overhead, so it will be part of the issue cost. आ जाइए पेज नंबर 77 में, you come straight to page number 77. ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दिस पार्ट इन्वेंटरी अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन, दिस इज द थियोरी। अभी हमने जो प्रैक्टिकल डिस्कस किया है प्रॉब्लम,
दिस इज कमिंग बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ओनली. मटेरियल कॉस्ट में आपका क्या इंक्लूड होगा एंड इश्यू कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटेरियल कॉस्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल. Receipt should be valued at purchase price including duties and taxes, freight inward, insurance and other expenditure directly attributable to the procurement, net of trade discount, rebates, taxes and duties that are refundable or to be credited by the taxing authority. पहला वाला पॉइंट जो है उसको एकदम अच्छे से याद कीजिए. मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड हियर ओनली. परचेस प्राइस इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस. हमने ऐड किया था जीएसटी, फ्रेट इनवर्ड्स, फ्रेट हमने ऐड किया है, इंश्योरेंस हमने ऐड किया है एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट. कोई एक्सपेंडिचर जो परचेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, ऐसा अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन है उसको भी लेना है. नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, नेट मतलब माइनस, माइनस करके लेना है. ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया था अभी जो डिस्कस कर रहे थे. रिबेट्स किया था. रिबेट्स एंड डिस्काउंट्स आर सेम थिंग. रिबेट का मतलब डिस्काउंट ही है. ट्रेड डिस्काउंट्स, टैक्सेस एंड ड्यूटीज. Taxes and duties which are refundable ought to be credited by the taxing authority. वो जो GST वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा था. If input tax credit is available, then net करना है, मतलब माइनस होगा, मतलब लेना नहीं है उसको कॉस्ट. ठीक है, आपका इनवॉइस में तो रहेगा, इनवॉइस विल शो कितना GST है, but that will not become your part of material cost. But if no credit is to be given by the taxing authorities or if the tax and duties are not refundable, in that case it will form part of my cost. Although invoice shows that amount, invoice में तो दिखेगा, but it is not part of my cost. हम उसको दूसरे account में लेंगे. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे import के टाइम में गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव स्कीम में इंपोर्ट ड्यूटी इज एग्जेम्प्टेड या नॉट एग्जेम्प्टेड से रिफंडेबल. सम रिबेट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन द ड्यूटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग. लाने के टाइम में आपको पे करना पड़ेगा, बट वंस योर रिपोर्ट इज कंप्लीट ऑन सबमिशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ यू हैव एक्चुअली इंपोर्टेड यूज्ड ड्यूटी टू योर मैन्युफैक्चर, यू गेट अ रिफंड ऑफ सम ड्यूटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट. सो इन दैट केस दैट रिफंड जो आपको मिल रहा है ड्यूटी का वो आपका कॉस्ट से माइनस हो जाएगा. ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट. एनी आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट. हम लोग वर्किंग कैपिटल लोन के बारे में सुना है आपने, बैंक लोन लेते हैं इन्वेंट्री फाइनेंस करने के लिए, इंटरेस्ट पे करना होता है लोन को. सो इंटरेस्ट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल लोन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर इन्वेंटरी कॉस्ट. आपके पास क्वेश्चन में 8-10 आइटम मेंशन होगा एंड यू बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट. सो कौन सा कॉन्सिडर करना है, कौन सा कॉन्सिडर नहीं करना है, दैट इज द जजमेंट टू बी टेकन आफ्टर रीडिंग ऑल दिस प्रिंसिपल्स. मटेरियल कॉस्ट में क्या आता है, क्या नहीं आता है. क्लियर? सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल शैल बी वैल्यूड इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉई कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्पेयर्स. दिस इज इम्पोर्टेंट. स्पेयर्स विच आर स्पेसिफिक टू एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट शैल नॉट बी टेकन टू इन्वेंटरी बट शैल बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक इक्विपमेंट. मतलब क्या है? If I say stores and spares, is it inventory overs?
सोर्स एंड स्पेस का मतलब क्या है? स्टोर्स एंड स्पेयर्स कैपिटल इक्विपमेंट के साथ भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्टोर्स, वो एसेट का पार्ट होगा, नॉट पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री और करंट एसेट्स। आई नो दिस इज वेरी थ्योरी इज वेरी बोरिंग, बट ये अगर क्लियर नहीं होगा तो यू कैन नॉट डू इट सक्सेसफुली। नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल प्रायर टू रीचिंग द फैक्ट्री। अभी मान लीजिए इन द एग्जाम्पल दैट वी वर डिस्कसिंग, हमने 1200 केजी का मटेरियल खरीदा है, आई हैव ऑर्डर फॉर 1200 केजी, ठीक है, बट नाउ आई रिसीव इन माई फैक्ट्री 1190 केजी, दैट मे हैपन और मे नॉट हैपन। खत्म करेंगे तो जस्ट विद दिस क्वेश्चन, इफ आई रिसीव 1190 इट मे बी पॉसिबल और इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल होगा कि नहीं? इसको नॉर्मल लॉस बोलेंगे क्वेश्चन नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। नॉर्मल लॉस के लिए नॉर्मल एक लेवल स्पेसिफाइड होता है, आज आई से कि यू हैव ऑर्डर 1200 1190 इज नॉर्मल, यू हैव ऑर्डर 1200 बट यू हैव रिसीव्ड ओनली 500, बैलेंस 700 विल बी नॉर्मल लॉस, इट कैन नॉट बी नॉर्मल लॉस। सो नॉर्मल का एक लेवल स्पेसिफाई किया जाता है, to that extent it is normal, it is, it will be forming part of your cost. हमने अभी जो calculate किया था what is the cost of inventory issued to production, इसमें हम calculate कैसे करेंगे, what is the per unit cost, suppose I have ordered 1200, I have paid for 1200 but I have received only 1190 because same way normal loss during transit, so I have actually used 1190 but I have incurred more cost, so the total cost will be divided by 1190 only to get the per unit cost. ठीक है, इसको next class में discuss करेंगे, so thank you.